अभी मैं डिसीजन ले ही रही थी कि मैं जाती हूँ रूम में, और भाभी की कॉल आई है कि हम डिनर वाली जगह पे आ चुके हैं, हम डिनर करके दोबारा जाएंगे और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर हम जाएंगे एक्टिविटीज़ करने। स्टडी उंड सबकी जो है ना हालत इस टाइम बहुत बुरी हो रही है। मैं तो बिल्कुल एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू रूम बस टू देख लो भैया इंसान कितना खा रहा है। Abhi, tell me your reviews about the food. It was just average. वो भी अच्छा नहीं होता, ये मैं बता रही हूँ। The varieties बहुत है, but I've not eaten all the varieties. वो शक्ल से भी पता चलता है। Varieties अच्छी है भाभी, variety अच्छी है। But taste, they've kept Chinese, desi, और Chinese barbecues रखते हुए। Half cooked. सही कहा। प्रियंका आप कुछ कहना चाहेंगी, आपकी वेजिटेबल्स कैसी थी? We are done. हलवा भी है और आइसक्रीम भी है, और इमरान भाई ने सजेस्ट किया आइसक्रीम। भाभी आपसे मैंने रिव्यूज भी लिए खाने के, क्योंकि आपकी शक्ल जो है ना सब बता रही है। यार मसला पता है क्या, भूख में ना आपको हर चीज अच्छी लगती है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, कभी कभी आपको भूख भी लगी होती है लेकिन खाना इतना बुरा होता है, मेरा घर को जाता है उसका। बस मैंने आज ना ये मान लिया कि हम जो है ना वो रही हम गरीब हैं। मैं भी सोच रही हूं, इमरान भाई आपने मूस को आइसक्रीम बना दिया यार हमारे लिए, आपने बोला आइसक्रीम है। मैंने ये नहीं, ग्रीन टी लग रही। इमरान भाई आपके पास ग्रीन टी है क्या? चले चले फिर, नहीं नहीं चले पूछ रहे। इमरान भाई ये बताएं खाना कैसा लगा, तुम ये बताओ सच्ची सच्ची बताओ तुम्हें आइसक्रीम कैसी लगी। मैं ना 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 मुझे आपने सिर्फ ये बताना कि आपको खाना कैसा लगा। नहीं 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 सच इमरान भाई, कवर नहीं करे आपके पैसे भी लगे, इससे बोनस का कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर से। इसमें इससे किसी की रेपुटेशन खराब नहीं हो रही। अच्छा अच्छा रिव्यू दे, सच बोले। आपको सालों हो गए क्या ये आपने वायरल करना है? आपने वायरल करना है? फाइनेंस की ग्रुप में। इमरान भाई शॉक में आ गए यार, ये स्लाइड्स ऑन होंगे। आरिफ भाई सबसे अच्छा खाने में क्या था? बेवकूफ बनाया हमें, टेस्ट बताए भाई, खाना बनाओ एक लेकिन टेस्ट ऐसा हो कि बंदा उंगलियां चाटता रह जाए। कैसे होता है अब मैं सोने जा रही हूँ। इमरान भाई रूम कौन सा आपका? सेवन 20-20 माशाल्लाह जा रहे हैं जी हम अपने रूम में, खाना शाना खा के डिनर शिनर करके। ओ माय गॉड प्रियंका खाएगी है, मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है, सांस मेरा फूल रहा है यार। माय गॉड भाई Why can't I just walk? But it was damn slow, guys. Oh my god.
हम आ चुके हैं बॉलिंग करने। नाउ इट्स टाइम फॉर बॉलिंग। 12 बज चुके हैं और ड्रीम वर्ल्ड में जो लोग स्टे करते हैं उनके पास ये ऑफर होती है कि वो यहाँ पे आके ये एक्टिविटीज रात में कभी कर सकते हैं। हाँ हाँ, स्कोर आना चाहिए यार। आ रहा है स्कोर मेरा ख्याल है। अब जा रही है जी पैगी, हम बॉलिंग के लिए आए हैं रात में। ड्रीम वर्ल्ड देखते हैं जी पैगी बॉल करवा रही है। ये तो वो तो गिर गए, दोबारा बॉल करानी पड़ी मुझे लगता है। अब क्या हुआ, दोबारा बॉल फेंके ना, दोबारा बॉल फेंके, बॉल फेंको, वो स्टॉप हो गई है। तब तक वही नाउ वी आर गोइंग। अभी हमें आर्टिफिशियल सी भी जाना है और हमें आर्चरी भी जाना है और हमें बोटिंग पे भी जाना है। कहाँ कहाँ जा सकते हैं? वो कह रहे आर्चरी उसके साथ ही है। चलो तो जा रहे हैं हम आर्टिफिशियल सी पे बोटिंग पे। बॉलिंग में बस थोड़ा बहुत मजा आया। यहाँ नहीं है जहाँ से हम आए थे वहाँ जा रहे हैं हम लोग। रात के इस टाइम चला नहीं जा रहा यार, यहाँ पे इतना ज्यादा चलना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पे। हम आ चुके हैं आर्टिफिशियल सी। People are roaming around. बताइए पूरे ड्रीम वर्ल्ड में सिर्फ एक ही आर्चरी क्यों है? और इतना सारे स्मेल है और ये सारे घूम रहे हैं हमारे सर पे। एक ही आर्चरी है भाई पूरे ड्रीम वर्ल्ड में और अब हमें बारी बारी करना पड़ेगा। बोटिंग कर रहे हैं जी हम। देखो वो दोनों पता नहीं कहाँ दूर जा रहे हैं। ये हम बोर्ड कर रहे हैं, उसमें हमें खुद से पैडल मार के बोर्ड चलानी पड़ रही है। अब ये खुद मुड़ रही है, अब ये खुद देखो हैंडल पूरा है। ओहो हो हो, खुद ही मुड़ रही है। ये क्या कर रही है? इंडोर गेम्स के लिए कहाँ जाना है? वही तो बता रहे क्या अब इसे बार बार पूछना पड़ेगा क्योंकि मेरी रूम का एसी तो चल नहीं रहा। इट्स टू हॉट यार, हवा ही नहीं चल रही कराची में। अच्छा पढ़ो, देखो इंडोर गेम्स पे आ गए। मेरे रेंट से आज मैं देखिए ये वाला पूरा जितना भी इवेंट है ना, मेरे तो इसमें रेंट्स ही होंगे। अच्छा ठीक है, मुझे भी ले लो ना, मैंने कवर कर लिया। बस ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या मेरे साथ। सबसे पहले तो ये मैडम आई ना तैयार होकर, इसने कहा कि ना हम जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? पहले कहा था हम लोग पानी में नहीं जाएंगे। नहीं अच्छा ठीक है, पहले इसने बोला हम पानी में नहीं जाएंगे। अभी पहले मैं यहाँ से जब हम यहाँ से मुड़े ना तो मैंने देखा कि हमारे पार्क में कुछ लोग जो है ना वो आर्टिफिशियल कोई वो था सी, आर्टिफिशियल सी के नाम से था। ठीक है, लहरें आ रही थी। हाँ लहरें आ रही, मुझे लगा कि वही वाली फीलिंग थी, सारे लोग अंदर नहा रहे थे आधे आधे। वो 5 फीट का था सिर्फ, मतलब इट वॉज जस्ट लाइक अ पूल पार्टी। सब लोग पूल पार्टी चलती थी। तुम लोग कूद गए उसमें? कोई नहीं कूदा,
इसलिए चलते चलते मुझे कहा नहीं हमारे सारे पाँव गीले हो जाएंगे, गीला हो जाएगा, गीलों के साइड से तो हम ना कहीं और जाते हैं। इसने हमने इसने कहा कि पहले हम कहाँ जाते हैं, वो बॉलिंग पे जाते हैं ठीक है, बॉलिंग पे हम गए भाभी, बॉलिंग में मेरी तो बॉल नहीं जा रही थी, बहुत मुश्किल से मेरी दो तीन बॉल। स्टोरी नहीं भेजी इसकी तो सारी आई है मेरे पास, चार बॉल गिरानी थी, तुमने वीडियो नहीं बनाई थी स्टोरीज कहाँ मेरी, इसने मुझे स्नैपचैट पे भेजी ना चार बॉल की, यार मैंने इसकी बनाई है वो सारी जो भी इसने, तुमने अपनी भेजी होगी, मैंने अपनी मेरी मेरी मैं खुद अपनी कैसे बनाती, इससे बनवाती ना ये तो कैमरा पकड़ खड़ी रहती, मैं कल आप कुछ नहीं करवा लूँगी ठीक है। अच्छा भाभी पहले बॉलिंग में मुझे कोई इतना उसमें हम 10-15 मिनट किए हमने वहाँ पे, इतना अंधेरे में तुम लोग खेले, सबसे ज्यादा बॉलिंग पे ही मजा आया है वो जितना भी ज्यादा था वो इतना अंधेरा था वहाँ, फिर हम आर्चरी भाभी आर्चरी में मेरे सर के ऊपर वो मच्छर घूम रही है ना, पंखा चल रहा है, एक आर्चरी वो भी बंदे ने खुद से बनाई हुई है ठीक है, सुन ले नस्लें नहीं आएंगी इधर वापस, वो अभी गर्मी इतनी ना पंखा ये उसे कहती है भाई पंखा नहीं ना लगाया हुआ, और एक ही आर्चरी थी सिर्फ, एक ही आर्चरी थी और वो बेचारा जैसे हम गिरा रहे थे ना सुनने सुनने वो कोई वो नहीं था कि जैसे हमें पता चलता कि हमने सुराख में मारा या नहीं, नहीं वो एक दरख्त के ऊपर उसने बनाया तो उसी में मारी जा रहे थे, सब लोगों के निशान उसी के अंदर थे, आर पार नहीं हुआ दरख्त, ये आर्चरी थी यहाँ की स्पेशल किस्म की ठीक है, पता कैसे चल रहा था भाभी ये कोई बता थोड़ी ना रहा था, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस मारो और वापस चलो, और हमने ये पैगी ने तुम्हारा अंदर जाके फंस ही गया, हार पार हो गया, नहीं पैगी का फिर भी थोड़ा जोर लगा तो वो अंदर एक चल, लेकिन पता कुछ नहीं चल रहा था क्योंकि एक ही उस पे इतने सारे निशान थे, निशान निशान निशान, तो बस खुश हो जाते तुम लोग समझते जो सेंटर में वो तुम्हारा, मेरे सर पे इतने मच्छर नाच रहे थे मैं कहां से, मैंने कहा था ना मच्छर हैं यहां पे ठीक है, मच्छर बहुत ज्यादा थे, ये तो मैं सब वीडियो बना या पैसे ही देंगे, रात के 3 बज रहे हैं एंड आर हियर बोलेगी इन लोगों को, और हम लोग पोस्ट करते हैं इसको रात के 4 बजे।